डन, सबको विजिबल है, बताओ क्या लिखा हुआ। ठीक है, आगे वगैरह सब सही चल रही है। तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी करंट के बारे में, एवरेज करंट के बारे में और इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। फिर हम लोगों ने बात करी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर, जल्दी बोलो सभी बच्चे, स्केलर, और स्केलर टेंसर और वेक्टर में टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है, जो वेक्टर लोगो फॉलो। फिर हम लोगों ने बात करी थी सेल के बारे में, सेल के बारे में क्या देखा हम लोगों ने कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एक हाइयर, एक बड़ा डंडा होता है और एक छोटा डंडा होता है, ये बताइए ये कौन होता है, हाइयर प्रोडक्शन, ये क्या होता है, और इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसी को हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, बात समझ पाए। फिर हम लोगों ने बात कर दी कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को ये सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमें बेसिकली क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है, तीन चीजें प्रोवाइड की थी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाइयर से लोअर हो जाएगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, दूसरा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया था। फिर हम लोगों ने कल तीन वायर्स के बारे में बात करी, एक कौन सी वायर थी, लाइव वायर, लाइव वायर वो वाली वायर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कहीं पर भी सर्किट में अगर ऐसी वायर दिखाई दे जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो मान के चलेंगे बच्चों, और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इनटू R, यानी अगर R की वैल्यू जीरो तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, और V क्या होता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि किसी भी दो पॉइंट्स का, इस वायर पे किसी भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, तभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ सकता है, इतना समझ में आ गया। फिर हमने मान लिया कि ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, तो हम कह सकते हैं कि B A must be equal to VB, लेकिन ये लाइव वायर के केस में बच्चों, इन केस अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस वाली वायर आ गई, इसका पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, तो मैं यहां पर नहीं बोल सकता B A equal to VB, जल्दी बोलो सही बोला, तो ये सब चीजें हम बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, बट मैं फिर कह रहा हूँ इस वाले जो करंट डेंसिटी है इसका सबसे ज्यादा रोल आने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इससे नेक्स्ट चैप्टर में, बट ठीक है एक बार इसका टर्मिनोलॉजी देख लो। करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय करंट डेंसिटी जे वेक्टर से रिप्रेजेंट है बच्चों, तो बेसिकली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट की डायरेक्शन कहां पे मानी थी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जिस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं। अब जो ये करंट डेंसिटी है ना बच्चों, ये करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, ध्यान रखना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। डिफाइन कैसे किया गया है देखो, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों, दिस इज अ कंडक्टर, ये इसकी लेंथ से एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर दे दिया, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मान लो इसमें हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है ये वाला, तो करंट डेंसिटी किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन की जाती है, क्या बोला गया कि करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एरिया, जो भी एरिया के बारे में बात करेंगे, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पैच ले लो आप, ये एक छोटा सा पैच ले लो आप, तो बेसिकली इस वाले पॉइंट पर करंट कितना है और इसका एरिया कितना है, तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करूँ, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट, लेकिन याद करो एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी एरिया, बहुत बढ़िया बेटा, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है डायरेक्शन किधर होती है, अगर ओपन सरफेस हुआ तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, और क्लोज्ड सरफेस हुआ तो बाहर वाला, जैसे क्यू वाले बताया था एरिया वेक्टर हमेशा क्लोज्ड सरफेस में बोलेंगे व्हिच इज प्रोपेगेटिंग आउटवर्ड, और प्लेन हुआ तो कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हो आप लोगों की मर्जी, तो एरिया स्केलर है वेक्टर है, बहुत बढ़िया, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे हो है ना, बहुत सुंदर बेटा। तो ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करना यूजलेस चीज है, तो बेसिकली हम लोगों ने इसको अगर वेक्टर अप्रोच में लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, जे वेक्टर आई बाय ए, अब एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, जिधर करंट की डायरेक्शन है,
करंट के पास डायरेक्शन होती है ये स्कैनर, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट भी है। डायरेक्शन नहीं पता होगा तो हम बता नहीं पाएंगे कि करंट कितनी मैग्नीट्यूड तक इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। बोलो समझ में आया? पक्का? चलिए अब बात ये आती है कि ये एरिया कौन सा लेके चले। ये एरिया हमेशा वो लेके चलेंगे विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। जैसे ये हमारे पास करंट है बच्चों, तो एरिया का ये वाला प्लेन, अब हम सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसका प्लेन देखो, प्लेन प्लेन होता है ये वाला। मान लो ये मेरा हाथ है, ये एरिया है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये आई हो गया, ये इसका प्लेन सरफेस हो गया। तो हमेशा कौन सा सरफेस लेके चलेंगे? वो वाला जो करंट्स के परपेंडिकुलर है, ये वाला देखो। ठीक है, सोचो अगर मैंने कंडक्टर की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मान लो इसका एरिया वेक्टर ये मान लिया, मान लो एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लिया, तो मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं? जे का, जे की वैल्यू हो जाएगी आई बाय ए। बोलो आया नहीं आया समझ में? अब सोचो सेम इसी वाले केस में मैंने जो ये कंडक्टर मेरा ऐसे था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए माना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, मैंने ना बच्चों अब इसको ना ये चेंज कर दिया। देखिए ये ठीक है, अब हमने तो एरिया चाहिए, एरिया वो वाला चाहिए जो कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट है। अब मेरे पास एरिया ये वाला गिवन है, लेट्स से दिस इज ए, और ये एंगल मान लेता हूं थीटा। तो बताओ अब क्या करूं मैं, ए लिखूं या ए का कोई कंपोनेंट चाहिए होगा? कौन सा कंपोनेंट चाहिए होगा? थीटा वाला किसमें ब्रेक डाउन होता है? कॉस थीटा में। तो इस एरिया का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ए कॉस थीटा। तो जे क्या डिफाइन किया गया? आई बाय ए कॉस थीटा। और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा याद रखो बच्चों कि जे इज ऑलवेज डिफाइंड एज आई बाय ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर कौन सा? जो भी करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा ना एरिया, वो वाला लेके चलने वाले गैप से। अब एक बार बताओ, जे ए कॉस थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? जे ए कॉस थीटा। देखो ये कहीं कहीं पढ़ा पढ़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जे ए कॉस थीटा ये कौन होता है? डॉट या क्रॉस? डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं? जे डॉट ए। परफेक्ट। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका डॉट प्रोडक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि इन केस अगर मुझे करंट डेंसिटी का वेक्टर फॉर्म दे दिया जाए, एरिया वेक्टर का एरिया वेक्टर दे दिया जाए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के मैं करंट निकाल सकता हूं। जल्दी बताइए आया समझ में? पक्का? अब बस ये एक टर्मिनोलॉजी अभी याद रखो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, दोनों में तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और एज फार एज योर सीबीएसई इज कंसर्न ये प्रूफ सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी इस चैप्टर में से अगर प्रूफ स्टार्टिंग में से प्रूफ आने की उम्मीद है ना, तो जो आज पढ़ने वाले हैं इसमें से दो नंबर का क्वेश्चन पक्का है, नहीं तो लास्ट वाले जब हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाएंगे वहाँ से दो या तीन मार्क्स का पूछा जाता है। बाकी न्यूमेरिकल तो बतेरे बन सकते हैं इसमें, जितना मर्जी आप चाहो ना न्यूमेरिकल उतने बन सकते हैं। बोलो ना समझ में? अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उससे पहले देखो यहाँ पर हमें एक छोटी सी टर्म डिफाइन की गई n, n को बोला गया चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली क्या बोला गया, देखो कोई भी कंडक्टर लेके चलो आप, उस कंडक्टर में एक्सेस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। भाई कंडक्टर बोले तो इसलिए गया ना क्योंकि उसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स है, आपको उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली एक कंडक्टर को उठाओ उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, करंट बहना स्टार्ट हो जाता है। बाकी सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता, सेमीकंडक्टर में हमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तब जाके वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब बात यह आती है कि किसी भी एक कंडक्टर में अगर मैं बात करूँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बच्चों अगर हम बात करें ना कि एक मीटर क्यूब की मैं एक वॉल्यूम ले लूँ, ठीक, उसकी जो डेंसिटी होती है ना, देखो वो डेंसिटी इतनी होती है 10^28। तो बताओ एक मीटर क्यूब की अगर मैं वॉल्यूम ले लूँ, एक मीटर क्यूब समझ में आ गया, एक मीटर की लेंथ ले लो, हाइट ले लो, ब्रेथ ले लो, उस एक मीटर की क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? अगर एक कंडक्टर है उसमें कॉपर रख दिया मैंने,
इतने नंबर है, बताओ ये छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर, देख 10^28 है, इट्स अ वेरी 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 लार्ज नंबर। अब बात ये आती है कि कई बार क्वेश्चंस में आप लोगों को पता होगा कि हमसे बोल दिया जाएगा कि इतने ग्राम ऑफ कॉपर है, कॉपर इज अ कंडक्टर, हमें कई बार ये निकालना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, उसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स निकालो कितने होंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या बोला जाता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल कि हमारे पास इतने ग्राम ऑफ कॉपर है, लेट्स से 1 ग्राम मान लेते हैं, और कॉपर की आउटरमोस्ट शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फिगरेशन आती है आउटरमोस्ट शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओहो वेरी गुड, सो किसने बोला 1 होता है, एक्सेप्शन होती है कॉपर, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोचो ऐसे मान के चलो लिमिट कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कॉपर है और एक एटम, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, जो कंडक्शन होता है ना, कोई भी कंडक्टर में जब भी कंडक्शन हम कराते हैं तो जो ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिनको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, सबसे ज्यादा वही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके पास कंडक्टिविटी के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यही लूजली बाउंड होते हैं, इन्हीं के टूटने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब ऐसा मान के चलो कि एक एटम कॉपर का, एक एटम उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और उसी एक इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन का मतलब रिस्पॉन्सिबल है कनेक्टिविटी के लिए। तो अगर मेरे से ये बोला जाए कि 1 ग्राम का कॉपर है, तो क्या मैं उसमें ये पता लगा सकता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स पता लग गए तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता लग जाएंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए तो चार्ज निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज ई होता है। तो अगर मुझे एन पता लग गया तो मुझे चार्ज भी पता लग जाएगा, चार्ज पता लग गया तो मैं करंट भी निकाल सकता हूँ, वो भी बहुत चीज़ें निकाल सकता हूँ जो मेरे से पूछा जाए। तो जल्दी बताइए नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या तरीका है, बोलो भाई, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। मान लो 1 ग्राम ऑफ कॉपर है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर मोलर मास कितना होता है कॉपर का, 63.5, कितना होता है, सही बोल रहा हूँ ना, इनटू 6 × 10^23, 6.023 को छोड़ो, 6 × 10^23 देखो, तो देखिए ये इतने नंबर ऑफ एटम्स है, सोचिए छोटा नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, अब इतने नंबर ऑफ एटम्स है तो और हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करा रहा है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चार्ज में से पूछा जाए तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, तो ई से मल्टीप्लाई करूंगा, ई इज व्हाट, 1.6 × 10^-19 कूलम, समझ में आया। तो ये ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, बस याद रखो कि ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है सिंपली। अब देख जब हम लोगों ने बात करी कि मैंने ये कंडक्टर लिया बच्चों रूम टेम्परेचर, इनिशियली रूम टेम्परेचर, तो यहाँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे समझ के चलो कि आप लोग बच्चे बैठे हुए, मान लो इस रूम में 50 बच्चे, 50 बच्चे बहुत बड़ा मतलब बहुत भीड़ हो जाएगी इसमें, सोच उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, सबके पीछे मोटर लगा दी, आंखों में पट्टी लगा दी और मेरे हाथ में डंडा है, और आप कंस्ट्रेंड हो आप कि इस रूम से बाहर नहीं जा सकते, और पट पट की आवाज आ गई, तो सोचो आपके दौड़ने की रफ्तार कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, ये बहुत पिटेगा, मैं समझ गया ये बहुत पिटने वाला है, जल्दी बताओ, मोटर लगी हुई है आपके पीछे, मोटर बेसिकली आपको एनहांस करने वाली है, तो स्पीड बताइए, अगर ज्यादा स्पीड रहेगी तो कोलिजन की बोलो, कोलिजन की टेंडेंसी कितना ज्यादा होगा, कोलिजन बहुत ज्यादा कोलिजन, अभी आंखों पे पट्टी बंध रही है और आप कंस्ट्रेंड हो तो इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। सोच इस वाले पॉइंट को, आप इधर उधर दौड़ोगे आपका रैंडम मोशन होगा, ऐसे थोड़ी ना स्ट्रीमलाइन मोशन है, मैं तो सर इसी डायरेक्शन में चलूंगा, आपको तो बचना है, आपको तो ये भी नहीं पता सर किधर है, बस हम पट पट की आवाज जरूर आ रही है, आपको अपने आप को बचाना है, तो आप इधर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेके चलोगे। सोचो इस पर्टिकुलर एरिया को 50 बच्चे है, तो आप लोग कितने टाइम मतलब इसको कितनी बारी क्रॉस करोगे, बहुत बारी क्रॉस कर सकते हो आप, कभी इधर जाओगे कभी इधर जाओगे कभी इधर जाओगे कभी इधर जाओगे, जैसा आप लोग बिहेव कर रहे हो ना बच्चों, सेम ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं रूम टेम्परेचर।
और जिस स्पीड से आप लोग भाग रहे हो ना जब आपको मोटर लगाई गई है, ऐसी इलेक्ट्रॉन की भी स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल स्पीड। और जो थर्मल स्पीड होती है ना, दैट इज 10^4 टू लेके 10^5 मीटर पर सेकेंड। बताइए, बहुत छोटी रफ्तार है, बहुत ज़्यादा रफ्तार है, बहुत हाई, 10^4 से 10^5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो रियलिटी में क्या होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी एट रूम टेम्परेचर की बात करो बच्चों, एट रूम टेम्परेचर, और हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, या इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो कल बताया था कि अगर आपने एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। फॉर्मूला बोलो, V बाय L। सोचो, मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे आर मूविंग, अरे सब अपनी मर्जी के मालिक है, किधर भी भगा दो, रेंडम मोशन में जा रहे, सब के सब रेंडम मोशन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए एक एज ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया बच्चों, मैंने इस एज ऑफ क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे बना रहा हूँ, आराम से समझना। रियलिटी में करंट की डेफिनेशन क्या होती है वो बताओ, करंट की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू एन एरिया इन सिंगल डायरेक्शन, कितने टाइम में चार्जेस एक सिंगल डायरेक्शन में इस एरिया में से निकल के गए, वो नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, करंट पता लगता है। अब एक बात बताओ, ये रैंडम मोशन है, इसी को हम लोग ब्राउनिंग मोशन भी बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन में पढ़ा होगा आपको। अब ये बताओ, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर निकलेंगे सर, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जाएंगे क्या? नहीं सर, दे आर फ्री, वो किधर भी जा सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी जाएंगे। तो एवरेज करंट कितना होने वाला है, एवरेज करंट कितना होने वाला है, तो एवरेज को डिफाइन किया गया क्योंकि वहां पर एक दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो एवरेज डिफाइन किया जाता है इतने बड़े नंबर्स के लिए। तो बताओ एवरेज करंट कितना होगा, जीरो। करंट की डेफिनेशन क्या थी, चार्जेस क्रॉसिंग एन एरिया इन अ सिंगल डायरेक्शन, यहाँ चार्जेस लेफ्ट से राइट भी जा रहे हो, राइट से लेफ्ट भी आ रहे हैं, तो आई एवरेज कितना होगा, आई एवरेज कितना होगा। अब दूसरी बात सुनो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को लेके चलो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, अब जो कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, तो बच्चों ये अपनी मर्जी का मालिक है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता घूम सकता है, बट ये कन्फर्म है कि जब ये घूमेगा, क्योंकि इस पर भी कोई फोर्स लगेगी ना, अब फोर्स नहीं लग रहा तो ये रैंडम है, ये किसी भी पॉइंट को बहुत जल्दी 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 क्रॉस करेगा, तो बेसिकली मैं कभी भी बात कर सकता हूँ एवरेज डिस्प्लेसमेंट की। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, वो हमेशा जीरो रहेगा, हमेशा जीरो। अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ बच्चों, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, u3, u4 और अप टू ऐसे करते करते un, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन स्पीड जीरो है क्या, स्पीड जीरो, लेकिन एवरेज मतलब यू कैन से वेलोसिटी जीरो है बट इसकी स्पीड जीरो नहीं है, क्योंकि स्पीड में तो ये मूव कर रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, बट एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो इसके अगर मैं एवरेज इनिशियल वेलोसिटी देखूं, एवरेज वेलोसिटी देखो ध्यान से, तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास, u1 + u2 + अप टू un डिवाइडेड बाय n, ये किसके बराबर है बच्चों, जीरो। स्पीड जीरो है क्या, नहीं, बट वेलोसिटी जीरो है क्या, हां। ये सारा का सारा इफेक्ट है जब हम लोगों ने अभी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। लेकिन सोचो अगले केस में क्या किया, मैंने इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, मतलब क्या, पहले जो आप लोग रैंडम मोशन मूव कर रहे थे ना, अब मैंने आप लोगों के गले में ना, मतलब गले में क्या, ऐसे रस्सी बांध दी आपको, एक रस्सी बांध दी, और अब जब रस्सी बांध दी तो रस्सी का कंट्रोल मेरे हाथ में, पहले आप फ्री थे, जहां मर्जी भाग सकते थे, लेकिन अब अगर आप इधर जाओगे तो मैं फोर्स लगा सकता हूँ, फोर्स लगा सकता हूँ, तो आप कंस्ट्रेंड होगे, जिधर मेरा फोर्स लगेगा आपको झक मार के उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, बात समझ में। तो सीन ऐसे इलेक्ट्रॉन भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मान लो यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक बैटरी लगानी है, ये वी वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की,
अब सोचो एक एक इलेक्ट्रॉन को बताता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन ये पहले ऐसे जा रहा था, ये वाले इलेक्ट्रॉन, अब क्या इस पे फोर्स लगा? फोर्स लगा ना, क्यों लगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानी थी, यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले ए पॉइंट पे जाना चाहता था अब वो ए पे तो नहीं निकलने वाला, ये तो कंफर्म्ड है, तो कहीं ना कहीं इस पे एक फोर्स लगेगा, वो यहां पे निकल गया, लेट्स से ए डैश। तो जो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहता था और यहां पे निकला, तो जो ये ड्रिफ्ट हुआ है ना बच्चों, ये ड्रिफ्ट, ये होता है ड्रिफ्ट बेसिकली। इसका जो पहले केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था कुछ, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो अब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसके पास वेलोसिटी भी आएगी। बोलो इंटरेस्ट लगता है? यस पक्का। अब एक बात और बताओ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कांस्टेंट है या वेरिएबल? भाई बी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला बोलो, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। अरे ई वेरिएबल, ई कांस्टेंट है बच्चों, क्यू तो होता ही कांस्टेंट है, तो फोर्स भी कैसा हुआ? और फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए होता है, एम क्या होता है? ए क्या होता है? मास। किसका? जिस पे फोर्स लगा है। किस पे फोर्स लगा है? इलेक्ट्रॉन। भाई ऐसे मत करो, रिपीट करो, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो बच्चों प्लीज, ऐसे बैठे हो एकदम ये बटा सन्नाटा कर रही है, फोर्स क्या होता है सब पता है, थोड़ा बोलोगे तो याद होगा। चलो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अरे ये रहा भाई की बात है, एक ही बार आज कर मत याद करो, अभी यहाँ के लिए यहाँ पे आओ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सभी बच्चे बोलेंगे, वेरी गुड। किस पे फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रॉन। फोर्स का फॉर्मूला एम इनटू ए। अभी ई अगर कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट लगा, फोर्स कांस्टेंट लगा तो एम इनटू ए भी कांस्टेंट है, तो ए भी क्या है? अरे भाई अगर ए कांस्टेंट है तो याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + ads = ut + rv² / v² - u² = मैं यूज कर सकता हूं इक्वेशंस का, अरे नहीं आया समझ में? बस सिंपल सी बात है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकता हूं, लेकिन सर यूज क्या करना है मुझे, मुझे याद क्या करना है? जो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u1, जब उस पे फोर्स लगाया तो इस पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगी, तो वेलोसिटी चेंज या सेम रही? चेंज हुई। कितनी वेलोसिटी हो गई होगी सर? v = u + at, v = u + at, v = u + at। अब ये वाला फार्मूला क्यों लगाया मैंने? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरे पास, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकता हूं। अब एक बार बताओ एक्सेलरेशन का फार्मूला कितना होता है बच्चों? f / m। ध्यान से रखना f की वैल्यू कितनी होती है? f की वैल्यू होती है सर q * e। बाद में तुझे जरूरत पड़े तो q की वैल्यू को स्मॉल ही रख देना, बट स्मॉल ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो माइनस ई ई बाय एम। यहां पे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? माइनस साइन केवल और केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गया ना तो एक्सेलरेशन इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। नहीं आया बच्चों? पक्की बात? अब सिंपल सी बात बताओ, यहां पे ना दो चीजें देखो तो है। अब ये बताओ जब इलेक्ट्रॉन चले, रियलिटी में देखना आप सिचुएशन क्या होती है। मान लो आपके पास ये कोई भी एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपके पास ये सब चीजें बना दी मैंने, मान लो एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री था, जब वो चलेगा बच्चों ऐसा मोशन ले सकता है, जब वो चलेगा तो बताओ कोलिजन होगा नहीं होगा? बहुत होगा सर, क्योंकि एटम के साथ कोलाइड करेगा, आयंस के साथ कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करने वाला है। तो रियलिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा बार बार कोलिजन होता है। आप सुना ध्यान से, यहां से लेके यहां तक जब वो कोलिजन हुआ, जितने टाइम में वो कोलिजन हुआ ना उससे पहले वो रिलैक्स रहा, यानी अगर मान लो यहाँ पे यहां से लेके यहां तक अगला कोलिजन ये हुआ, तो इस बात को बोलते हैं मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंटेड बाय ए से बी तक आने में उसको जो भी समय लगा होगा, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। रिलैक्सेशन टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, टाउ वही वो टॉर्क वाला टाउ।
एक चीज और बताओ मुझे आप, जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो ये कोलिजन होने की टेंडेंसी है या फ्रीक्वेंसी है ये कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जो ये अब ध्यान से सुनना, मान लो ए से बी तक आने में नॉर्मल टेम्परेचर पे, ए से बी तक आने में उसको एक सेकंड लगा, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये एक सेकंड से ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। तो बेसिकली क्या कह रहा हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, या उल्टा बोल दो, रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये पॉइंट याद रखना। दूसरी चीज, हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है भैया, जो ये टाउ है ना टाउ, हर एक कंडक्टर का अलग अलग है, बेसिकली यू कैन से हर एक मटीरियल का अलग अलग है। मतलब क्या हुआ कि कॉपर ले लूंगा तो उसका रिलैक्सेशन टाइम अलग, एल्यूमिनियम ले लूंगा तो उसका रिलैक्सेशन टाइम अलग। अरे बोलो भाई, क्योंकि ध्यान दे कि ये वाला फॉर्मूला सबके लिए अलग अलग होगा, नंबर ऑफ एटम्स सबके लिए अलग अलग होने वाले। अरे हाँ है ना, बोलो। तो कहीं कई बार ज्यादा ज्यादा कोलिजन होगा, कहीं पर कम कम कोलिजन होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट ये याद रखो कि टाउ किसकी प्रॉपर्टी है, मटीरियल किसकी प्रॉपर्टी है बेटा। ये तो आज का और कल का लेक्चर रहेगा ना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो प्लीज इसको ना जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे ना उतना मजा आएगा। टाउ किसकी प्रॉपर्टी है? जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे और टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, टाउ में कोई फर्क आने वाला नहीं। हाँ, अगर मैंने देखो, मैंने क्या किया, मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर रख दिया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है? और मैंने कॉपर ले लिया तो कॉपर है 30 डिग्री, जो भी रिलैक्सेशन टाइम होगा वो थ्रू आउट सेम रहने वाला है। हाँ, टेम्परेचर मैंने 30 डिग्री से 20 डिग्री कर दिया तो रिलैक्सेशन टाइम घटा, मतलब चेंज हो गया। 30 डिग्री से 40 डिग्री कर दिया तो भी चेंज हो गया, बट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और सेम मटेरियल के लिए रिलैक्सेशन टाइम में कॉन्स्टेंट मान सकता हूँ। पक्की बात? अब सुनो, अब सिंपली बात, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सब मूव कर रहे थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सैनिकों की तरह सीधी डायरेक्शन में चलने लगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए चलेंगे बच्चों, ऐसे विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा एक चीज हो, अब जो इनकी v1 v2 v3 v4 v5 v6 अप टू vn जो ये वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी, इन सब का एवरेज इज नोन एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला गया? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v और छोटा नीचे बना दो d, दैट्स इट। तो vd दिस इज इक्वल्स टू एवरेज, बोले तो v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। अब हमारा मेन मोटो क्या है भाई? v1 पता निकालना है, v2 निकालना है, v3 निकालना है। देखो u1 ये भी एक्सेलरेशन पता लग गया, और tau, tau बेसिकली क्या, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा एक बात और बताओ, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, हो सकता है वो यहां पर चला जाता, तो tau अलग अलग हो सकता है ना, तो सबका tau सेम ही अलग 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 अलग। बेसिकली क्या, मेरा मान लो मैं इसके साथ टकराया, ये जाके वहां टकराई, ये जाके यहाँ टकराई, तो सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो v1 को क्या लिखेंगे हम लोग, v1 को लिखेंगे u1 प्लस a, एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, a इनटू tau 1। v2 को बोलो क्या लिखेंगे, u2 प्लस a tau 2। अब टू vn को बताओ क्या लिखेंगे, un प्लस a tau n। और फिर इनका क्या निकाल लेना है, एवरेज, जो भी एवरेज करके आएगी वो वैल्यू क्या बोली जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोली जाती है? सारे बोलो क्या बोली जाती है? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात। दूसरी बात, हम ये मान के चलेंगे कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन से तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और पॉजिट्रॉन लेके चल रहे हो तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में चलने वाले विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो मेरे पास कैसे स्पीड होती है, यूनिफॉर्म, जिसकी वैल्यू देखो कितनी होती है, 10^-3 से लेके 10^-4 मीटर पर सेकेंड। और थर्मल स्पीड देखो कितनी होती है, 10^4 से लेके 10^5। तो विच वन इज मोर इफेक्टिव, थर्मल स्पीड या ड्रिफ्ट स्पीड? ड्रिफ्ट स्पीड। क्यों ड्रिफ्ट स्पीड इफेक्टिव होती है, मैं रीजन बताता हूँ। सोच, जब ये रैंडम मोशन कर रहे थे तो आई एवरेज कितना आएगा,
जीरो। आई और एस कितना आया था? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे थे, कुछ राइट से लेफ्ट जा रहे थे, रैंडम मोशन कर रहा था, तो आई और एस कितना आया था बच्चों? अरे सारे बोलो भाई जीरो। लेकिन अब देखो, चाहे वो धीरे धीरे चल रहे हो, बिल्कुल चींटी की चाल से चल रहे हैं, बट चल सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में रही है। तो अब करंट देखिए, करंट की डेफिनेशन क्या बोली गई है कि कितने चार्जेस एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पार कर रहे हैं इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो देखो अब सबकी डायरेक्शन सिंगल डायरेक्शन में, तो ड्रिफ्ट स्पीड ही कॉन्ट्रीब्यूट करती है करंट के लिए, नहीं आया समझ में? पक्की बात? तो विच वन इज मोर इफेक्टिव, ड्रिफ्ट स्पीड या थर्मल स्पीड? ड्रिफ्ट स्पीड भले ही कम हो, बहुत कम होती है, बट फिर भी ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो एक चीज और याद कर लो, जो भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ड्रिफ्ट स्पीड। अब वो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आती है वो देखो, जल्दी जल्दी प्रूव देख लेते हैं आ जाओ तो हमने क्या बोली इनिशियली विदाउट या इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री जल्दी बोलो इनका एवरेज क्या आया था जीरो एवरेज क्या आया था यानी सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे बट जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यानी बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दिया। जब यहाँ पर ये सब चीजें हमें समझ में आ गई तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था जल्दी बोलो? एफ बाई एम, एफ की वैल्यू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय एम। तो ए का फॉर्मूला बोलो माइनस ई ई बाय एम, बड़ी छोटा ई, बड़ी छोटा ई चार्ज ऑफ, बड़ी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए जल्दी बोलो, तो वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी वन दिस इज इक्वल टू यू वन प्लस ए टाउ वन। वी टू की वैल्यू जल्दी जल्दी बोलो, यू टू प्लस ए टाउ टू। और ऐसे करते करते वी एन क्या हो जाएगा बच्चों? यू एन प्लस ए टाउ एन। टाउ किस किस की प्रॉपर्टी होती है? टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, पहली बात। टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दूसरी बात टाउ किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे टाउ चेंज होने वाला नहीं है। एट कांस्टेंट टेंपरेचर और सेम मटेरियल के लिए टाउ रिमेन। वेरी गुड, इनका एवरेज निकालो बच्चों। एवरेज बोलो क्या हो जाएगा? एवरेज को ही ड्रिफ्ट बोला गया, यानी v1 plus v2 plus up to vn divided by n, यही ड्रिफ्ट है बच्चों। आप देखो इसका एवरेज निकालो, तो u1 plus u2 plus un by n जीरो नहीं आया भाई। u1 plus u2 up to un divided by n तो जीरो। अभी जब देखो a a a a कॉमन, tau1 plus tau2 up to tau1 divided by n, तो वो होता है tau average। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सारे बोलो रे, बहुत सुंदर बेटे आ जाओ। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? VD this is equals to A into tau average। A की वैल्यू देखो जी, EE by M, तो ड्रिफ्ट स्पीड आ गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चों जल्दी बोलो? माइनस क्या साइन रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन से नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए इधर जाएंगे और पॉजिट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए इधर जाएंगे, दैट्स इट। तो EE tau by M। अच्छा एक चीज और बोलो बच्चों, यहाँ पे E की वैल्यू देखो, E की वैल्यू V by M भी रख सकते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला V की टर्म्स में आता है, ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला E की टर्म्स में आता है, दोनों याद रख लेना, यहीं से ओम्स लॉ प्रूव कराऊंगा। हालांकि लॉ का कभी भी प्रूफ होता नहीं, बट यहाँ पर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इधर देखो जल्दी बोलो क्या फॉर्मूला आ गया? वी डी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बी, तो ई एम टाउ एज इट इज वी बाई एल रख देंगे, E tau V by M into L। मैग्नीट्यूड है बच्चों, डायरेक्शन करोगे तो ये डायरेक्शन है। जल्दी बताओ बच्चों ये फॉर्मूला समझ में आया? पक्की बात? देख लो एक बार, ये ड्रिफ्ट स्पीड है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन, और इम्पोर्टेंट रिलेशन इसलिए क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आते ना इस वाले पोर्शन से, स्टार्टिंग वाले पोर्शन से, तो या तो ये प्रूफ पूछा जाता है या आई और बी डी में रिलेशन पूछा जाता है जो अभी करने वाले हैं। तो वैसे मैं याद करा देता हूँ, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में जो रिलेशन होता है ना, ऐसे याद करो आई बी ना,
आई, हाँ हाँ बोलो, आई बीना, मैं बीना हूँ, मैं हम तो नहीं है, तू ही होगा। आई बीना याद रखो, ये आई दिस इज इक्वल्स टू बी डी ड्रिप ई इनटू एन इनटू ए, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको प्रूव भी कराऊं, बट ये तो हमेशा याद रखना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी? आई बीना, आई इक्वल टू बीना, बीना की स्पेलिंग बोलो, ज्यादा मॉडर्नाइज मत हो जाना, बी डबल ई एन ए, नहीं हां मैं समझ गया था, हमारे लिए बीना की स्पेलिंग क्या है? बी एन ए, और ई छोटा है या बड़ा? छोटा, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहां पे छोटा और बड़ा बराबर नहीं, हां जैसे वहां पर 11th में छोटा जी और बड़ा जी बराबर इंग्लिश में होते हैं, फिजिक्स में जल्दी देखो इसको, पहले बताओ जल्दी स्टार्ट करो, ई का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, ई का फॉर्मूला बी बाय ड्रिप स्पीड का फॉर्मूला बोलो, ई ई टाउ बाय एम, विद विद टर्म्स में बोलो, वी डी दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई वी टाउ बाय, और टाउ टेंपरेचर में कैसा रिलेशन है बच्चों? बच्चों नेगेटिव साइन ना भी यूज करोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, नेगेटिव साइन फिजिक्स में क्या रिप्रेजेंट करता है? केवल और केवल डायरेक्शन, बात समझ में? अब सोचो आराम से सुनो, हमें बोला गया ये कनेक्टर है बच्चों मेरे पास, दिस इज अ कनेक्टर जिसकी लेंथ एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों ए मान लिया, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे बच्चों वो ड्रिप स्पीड से चल रहे बी डी, देन अब वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप स्पीड, तो करंट को क्या लिखते हैं? ध्यान से सुनना, करंट इज रिटन बाय डी क्यू बाय डी टी, अभी आराम से सुना बिल्कुल तसल्ली से, सोच ये मेरे पास एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भाई, करंट का फॉर्मूला यही तो बोला गया कि इस वाले एरिया को किसी भी गिवन इंटरवल में कितने चार्जेस क्रॉस करके जा रहे इन अ सिंगल डायरेक्शन, तो डी क्यू दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, करंट आ गया मेरे पास। अब एक बार बताओ, मान लो यहाँ पर कोई भी हमारे पास पांच इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आराम से सुना, टी इक्वल टू जीरो पर, एट टी इक्वल टू जीरो पर ये जो इलेक्ट्रॉन जब ये इधर चल रहे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाइए, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हुए चलने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, t इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर है, b की टाइम में छोटा सा टाइम में, बताओ ये यहीं पर रहेंगे आगे बढ़ जाएंगे? यही रहेंगे आगे बढ़ेंगे? यहीं कैसे रहेंगे बच्चे? चलेंगे ऐसे सरक रहे हैं, नहीं तो धीरे 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 ड्रिफ्ट करते हुए आगे जा रहे हैं ना, तो मैंने मान लिया, सुनो सुनो सुनो, लेट्स से ये राम श्याम सीता गीता लीता पीता बहुत सारे बच्चे यहाँ खड़े हुए, ऐसे मानो ये राम श्याम है। अब जब ये राम श्याम, या तुम अपना नाम ले लो, वंश है, विश्वेंद्र है, लौकिक है, हर्ष है, ये सारे बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक, अब ये यहीं खड़े रहेंगे क्या? नहीं, तो ये क्या करेंगे? ये आगे बढ़ेंगे, मान लो ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आ गए, सुनना आराम से, और उनके बाद ये बालिका आ गई हमारी, प्राची आ गई, आम्या आ गई, प्रेरणा आ गई, ये संध्या आ गई, ये सब आ गए पीछे। अब ध्यान से सुन, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम में पार किए? डी टी, यहाँ से लेके यहाँ तक डी टी टाइम लगा, तो इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पास किया है? तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो इस वॉल्यूम में पैक्ड है, नहीं आए समझ में? देख ध्यान से सुन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करके जा रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन डी को इसको जीरो पे ये आगे बढ़े, तो इनके पीछे और भी तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, डी टी टाइम में मान लो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ तक आ गया, तो उसके पीछे पीछे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए ना, लास्ट डी टी टाइम में मान लीजिए प्रेरणा वाली लाइन यहाँ पर आके रुक गई, वंश वाली लाइन ये थी, तो इनके बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इस वॉल्यूम में ये जितने भी चार्जेस है ये सारे के सारे तो है। अरे बोलो भाई, अब ध्यान से सुन, इसको क्यों बता रहा हूँ, रीजन समझ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एन पता होता है, एन क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। ध्यान से देखो, एन को क्या डिफाइन किया जाता है? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट। अब मुझे नंबर ऑफ चार्ज पता लग जाए तो क्या मैं टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ इसे मल्टीप्लाई करके? अरे हाँ, ना बोलो यार। अब ध्यान से सुन, ये नंबर है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मुझे नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेफिनेशन सुन, नंबर ऑफ चार्जेस, आराम से सुन, पर यूनिट वॉल्यूम, सोच मुझे तो नंबर चाहिए बस, तो अगर मैं इसको
कौन फाइनल है? अभी सही है? आज हाँ, मैंने बोला मुझे तो नंबर चाहिए, तो नंबर ये एन क्या है बेसिकली? एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे जब नंबर चाहिए तो मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वॉल्यूम वॉल्यूम में कैंसिल आउट, तो नंबर ही तो बचा, नहीं आया। अब वॉल्यूम कितनी, ध्यान से देख वॉल्यूम कितनी, ये वाली वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम कैसे निकालूं? बहुत सिंपल है सर, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है और ये लेंथ कितनी है dx, तो छोटी सी वॉल्यूम कितनी आ गई dv, a इनटू नहीं आया कुछ, a इनटू dx। अब ये dx कितना है, लेंथ, लेंथ को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, टाइम कितना लगा, अरे बोलो यार, तो dx को मैं क्या लिख सकता हूं, vd ड्रिफ्ट स्पीड इनटू dt, नहीं आया बच्चों। तो नंबर नंबर कितने मिल गए मुझे, n, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस इनटू वॉल्यूम बेसिकली, तो n इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो आप, वॉल्यूम 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 ये भी हां, a इनटू vd इनटू dt, बोलो नहीं आया समझ में, ये तो नंबर आया बच्चों मेरे पास, मुझे तो टोटल चार्ज चाहिए, तो इनटू e से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया, नहीं आया बच्चों पक्का? इस टोटल चार्ज को क्या मैं dt से डिवाइड कर दूं, तो यही करंट आ जाएगा, तो dt से डिवाइड कर दो, देखो dt से डिवाइड करा तो देखो i और v में क्या रिलेशन, i और vd में क्या रिलेशन बन गया, vd e and a, जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है, हमें इसका यूज करना आना चाहिए बस। n क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज से मुझे नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी से मुझे नंबर निकालने, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेके t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू dt तक कितने इलेक्ट्रॉन्स ने इस वाले एरिया को क्रॉस किया, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो इस वॉल्यूम में बंद है, तो अगर इसकी वॉल्यूम पता लग जाए, n मुझे पता है, तो मैं इजीली नंबर निकाल सकता हूं, उस नंबर को e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज को dt टाइम से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा, रिलेशन आगे बुलवाएंगे। अब एक बात और बताओ, vd का फॉर्मूला देखो e की टर्म्स में, माइनस छोड़ो मैग्नीट्यूड वाइज चलो, जल्दी बोलो i e e tau by m into e n a, नहीं आया बच्चों पक्का? यस श्योर, ध्यान से देखो, I this is equals to n e square tau a by m into e। बच्चों इस a को अगर मैं डिवाइड करा दूं, a को मैं डिवाइड कर दूं, तो I by e क्या बना, I by a क्या बना, j, किसने बोला I by a, very good, j this is equals to n e square tau e by m। अब ध्यान से सुनो बच्चों, at constant temperature, at constant temperature tau constant, n, n क्या होता है, number density। अब ये number density किसकी property है, conductor की, material की। जब तक मैंने यही material लिया, मान लो ये copper का material ले लिया बच्चों मैंने, जब तक ये कॉपर का मटेरियल है, इसकी n भी सेम रहने वाली है, कांस्टेंट टेंपरेचर पे टाउ भी सेम रहने वाला है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं बोल सकता हूं, तो देखो ये वाली सारी की सारी क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट है ये, तो मैं बोल सकता हूं j इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, j इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। बच्चों इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, रियलिटी में तो ये है ओम्स लॉ, बट जो कि हमारे लिए करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, कोई इजी टास्क नहीं है, तब हमने इसको आगे फर्दर और मॉडिफाई करके v = ir में किया, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें रेजिस्टेंस भी पता होता है। एक चीज और देखो, इसको हटा के ना j = देखो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के जो हमने ये कांस्टेंट माना है, इस कांस्टेंट का एक और नाम दे दिया गया सिग्मा। देखो यहां पे क्या बोला गया, j this is equals to sigma into e। now what is sigma, sigma is known as your conductivity,
सिग्मा इज नोन एज योर, और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कनेक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और रो इज रिप्रेजेंट रो ये होती है रेजिस्टिविटी, इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कनेक्टिविटी ऑब्वियसली कम होने वाली है, या उल्टा भी बोल सकते हो जिसकी कनेक्टिविटी ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सिंपल देखो अब अगर मैं यहाँ पर रो भी रख दूं जे इक्वल्स टू वन बाय रो इनटू ई, तो बोलो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू रो इनटू जे, इसको बोलते हैं ऑन्सुलेन वेक्टर फॉर्म, ऑन्सुलेन वेक्टर फॉर्म। कई बार ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जे एंड ड्रिफ्ट स्पीड, तो जे और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, यहाँ पे देखो आई बाय ए कर दो बच्चों, आई बाय ए कर दिया तो यहाँ पे क्या बना वीडी इनटू ई इनटू एन, तो ये ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में भी रिलेशन आ गया, करंट डेंसिटी और बीना में भी रिलेशन देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में भी रिलेशन देख लिया। अभी एक बात और बताओ मुझे, ई को क्या लिख सकते हैं, वी बाय एन, ई को क्या लिख सकते हैं, ई को क्या लिख सकते हैं, और आई को क्या लिख सकते हैं, जे को क्या लिख सकते हैं, आई बाय देखो यहां पर E को लिख सकता हूँ मैं V by L अरे हाँ या ना बोलूँ, रो एज इट इज रहने दो, J को क्या लिख सकते हैं I by A, ध्यान से देख V this is equals to रो L by A into I, याद करो ये कुछ कुछ देखा देखा लगेंगे तुम्हें, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जब तक हम लोग ये कंडक्टर चेंज नहीं करेंगे ना इसकी लेंथ चेंज होने वाली है, ना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने वाला है, ना इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली है, ना इसकी कनेक्टिविटी चेंज होने वाली है। तो देखो ध्यान से V equal to rho L by A, rho L by A क्या होता है? R, rho L by A क्या होता है? R, लो भैया ये R आ गया हमारे पास, तो V equals to IR, ये ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म का, दो ये स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर होता है, आई स्केलर होता है, तो दिस इज ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, दिस इज ओम्स लॉ इन, बट तुम्हें समझ में पक्की बात, जल्दी से एक बार लेक्चर का रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ी है करंट डेंसिटी, और सभी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे बच्चों, करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर वेक्टर स्केलर वेक्टर, डायरेक्शन किधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, जल्दी बोलो स्केलर करंट डेंसिटी स्केलर या वेक्टर, स्केलर या वेक्टर, स्केलर या वेक्टर, डायरेक्शन किधर, फॉर्मूला क्या होता है, I by A, परफेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, E tau by M, E tau by M, कैपिटल E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल E को कैसे लिख सकते हैं, V by M, वेयर V क्या होता है, क्या होता है, L क्या होती है, length, तो हम drift speed को उस वाली B की terms में भी लिख सकते हैं। अच्छा इधर देखो, ये हमारे पास drift speed का formula, drift speed का formula क्या है, अच्छा what is the relation between I and drift speed, Vina में से A को नीचे लेके आ दो, I by A क्या बन गया, J का formula Vina के drift speed के साथ क्या है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर इस वाले फॉर्मुलेशन में क्या किया, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला, I का फॉर्मूला है वीना, तो वीना में ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से हम लोगों ने ये फॉर्मुलेशन किया। तो अगर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तो इक्वल टू पर ए की वैल्यू वी बाय एल रखो, जे की वैल्यू आई बाय ए रखो, तो वहाँ पर हमारे पास ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म भी आ जाए। जल्दी बताइए आया समझ में, चलिए गाइस कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।